डिवाइस के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट्स जो भारत में डंप हो रहे हैं उनके ऊपर कुछ ड्यूटीज लगा सकती है सरकार। तो जाहिर सी बात है टीवी मैन्युफैक्चरर्स और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। अखबार की खबरें ये भी बता रही हैं कि आज दरअसल दूध से जुड़ी हुई कंपनी, डेयरी से जुड़ी हुई कंपनियों में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, और वो इसलिए क्योंकि जो 2 रुपये प्रति लीटर दूध की कीमत है वो फिर से बढ़ाई जा सकती है, और हाल ही में देखिए ये बढ़ी थी, इसलिए पराग मिल्क फूड और हथसन एग्रो को हमने अपनी टीम में जगह दी है। सेंट्रम ग्रुप में कुछ पी इन्वेस्टर्स हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, तो ये उसकी लिस्टेड कंपनी है जहां पर तेजी बन सकती है। भारतीय बाजारों में फिर से आज ऑल टाइम हाईज लगेंगे, देखिए ज्यादा दूर नहीं है। भारतीय बाजार में खासतौर पर बैंक निफ्टी, निफ्टी ने देखा था शुक्रवार को भी ऑल टाइम हाईज लगाए थे, तो आज हमें लगता है कि ब्रोकिंग कंपनियों पर नजर होनी चाहिए। एबी मनी जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। मुरुदेश्वर सिरेमिक्स ये मेरा कल का खिलाड़ी आज था, जो 3 बजे हमने आपको कहा था बढ़िया तेजी देखने को मिली, कई दर्शकों ने स्टॉक को खरीदा, भागा था ये स्टॉक स्क्रीन पर, और लगता है कि आज दूसरे दिन बढ़िया तेजी दिखाएगा। और आजकल आप देख रहे हैं जो एक शेयर है वो 1 दिन नहीं 2-3 दिन तक अच्छा प्रदर्शन दिखाता है। मिड कैप्स में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और जो नई नई मूवीज रिलीज हुई हैं उसका फायदा मुक्ता आर्ट्स को भी मिलेगा। अंत में ताज जीवी के होटल्स और आडवाणी होटल्स को मैंने आज अपनी टीम में जगह दे दी। चलिए मेरी टीम पे नजर डालिए, चूंकि डॉक्टर साहब ने मुझे स्क्रीन इधर दी तो मैं इधर देख के बोलूंगा, आप लोग समझ जाइए कि मैं इधर स्क्रीन देख रहा हूँ। इन्फोसिस पहला स्टॉक जो हमने आपसे खरीदारी करें, बहुत अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं, और TCS में भी खरीदारी करके चलें क्योंकि TCS का इसका रेपुटेशन होगा, अगर इन्फोसिस का अच्छे नतीजे तो उसमें भी आएंगे। एमनी सुपरमार्ट ने बहुत ही बढ़िया, उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं, तो इसलिए रिटेल स्पेस के इस पर फोकस करना चाहिए। टाटा स्टील अगेन, इन्होंने अपनी नीदरलैंड की रिफाइनेंसिंग कंप्लीट कर ली है। न्यू इंडिया एश्योरेंस और GIC में इसलिए फोकस क्योंकि सरकारी कंपनियां जो नॉन लाइफ के हैं उसमें कैपिटल इन्फ्यूजन की बात चली, बजट में शायद एक बड़ा अनाउंसमेंट आ सकता है, तो यहाँ इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी की जा सकती है। इसके बाद सिनेलाइन इंडिया और आइनॉक्स लीजर। सिनेलाइन हमने कल का खिलाड़ी, आज मैं आपको बताया था कि कई सारी मूवीज़ हैं और ये रिटेल स्पेस में भी हैं, इनका काम एग्जीबिशन नहीं है, ये अपने मॉल्स को इन्होंने दे रखा है, अपने जो मल्टीप्लेक्सेस हैं उसको PVR को सबलेट कर रखा है, तो उसका फ़ायदा इनको मिलता है। और अब जिस तरीके से कमर्शियल एयर स्पेस में अच्छी तेज़ी बन रही है उसका फ़ायदा होगा, और बजट में एक और ध्यान रखिएगा, रेंटल हाउसिंग और कमर्शियल स्पेस के लिए कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। टॉरेंट पावर को अपग्रेड मिला है क्रिसिल की तरफ से, वो खरीदारी करिए। और BPL के लिए भी अच्छी खबर क्योंकि सरकार अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में कुछ प्रोडक्ट्स को, खासतौर पर टेलीविजन्स को जो बाहर से इंपोर्ट होते हैं उस पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है, उसमें भी खरीदारी की जा सकती है।